जब हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और दूसरे अनुसूचित जाति भारी संख्या में है, हमारे झाड़ू का निशान लेके डेढ़ वोट का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए रातों रात और हम गटर साफ करते रहें, ठेकेदारी में मरते रहें। तो हमने एक मूवमेंट शुरू किया, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस DDA बनाया और हमने कहा कि मिशन दिल्ली फतेह 2019 यहीं से शुरू करेंगे, सातों सीटों से। बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे लोगों ने हमें कुछ कहा कि भाई 500 करोड़ चाहिए, 400 करोड़ चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए। तो हमने उनसे सवाल किया कि भाई जब माननीय काशीराम जी जब चले थे मिशन लेके, तो क्या उन्होंने अपने पीछे साइकिल पे 500 करोड़ बांधे हुए थे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ अगर जोर से एक बार छींक मार देना तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाती है। और हम यहाँ इतनी तादाद में हैं कि अगर एक बार होकर के, इकट्ठे होकर के हम अगर सातों सीटों पे अगर जोर लगा दें और दिल्ली की 70 सीटों पे जोर लगा दें तो किसी की औकात नहीं है जो आपको हरा दे। वेरी गुड। उसके बावजूद हमने मिशन शुरू किया और हमने नारा दिया, गैर राजनीतिक संगठनों का राजनीतिक विकल्प, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस। बुद्धिजीवियों का, ट्रेड यूनियनों का, हमने कहा राजनीतिक पार्टियों को नहीं लेंगे। जो राजनीतिक पार्टियां, उन राजनीतिक पार्टियों को जो कहीं ना कहीं इस देश की सत्ता में, अपने राज्यों में या केंद्र में सत्ता में रह चुकी हैं और जो फेल हो चुकी हैं, जो नहीं कर पाए काम, उनको हम इस अलायंस में नहीं रहेंगे, ये हमने सोचा था। उसको जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां स्ट्रगल कर रही हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ट्रेड यूनियंस हैं, उन सबको इकट्ठा करेंगे और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनको इकट्ठा करेंगे। हमने किया और हमने एक और बात की कि बाबा साहब ने हमेशा SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का इकट्ठा रखा, तो हमने कहा जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस होगा यह अनुसूचित जाति जनजातियों का गठबंधन है, तो अनुसूचित जातियों की हमने लिस्ट निकाली, दिल्ली में 36 जातियां हैं जो शेड्यूल्ड हैं, 10 जातियां तो हमने ढूंढ ली हैं। हमने कहा इसका जब लीडरशिप पूरी होगी, जब 36 के 36 की एक एक लीडरशिप वहां पर प्रतिनिधि होगा इस लीडरशिप में। बाबा साहब का सपना था ना इनहेलेशन ऑफ कास्ट में, उन्होंने यही तो रास्ता दिया है। और हमने आज इस मीटिंग के लिए महाराष्ट्र से अपने साथी राजू दादोड़ा जी, मैं कहूंगा खड़े हो जाए, आदिवासी साथी हैं, आदिवासी एकता परिषद के लीडर हैं, 5 राज्यों में बड़ा नेटवर्क है, और हमारे दीपक जी, एडवोकेट दीपक जी दमन दीव से आए, इनको बुलाया मैंने खासतौर पर क्योंकि हमने पूरे देश में नेटवर्क फैलाया। और जब हमने तय किया कि हम 9 सीटें लड़ेंगे, 7 दिल्ली की, 1 बुलंदशहर की, हमारे साथी विनय जाटव जी, 1 पालघर की जो हमारे राजू दादा जी हैं, जहाँ हमारी ताकत है, जहाँ हमने काम किया है। अभी आदिवासियों के हमने वहाँ पर लैंड के केस जीते हैं, इनके मुआवजे जो 200 रुपए दिए थे, आज हमने वहाँ पर करके 10-10, 20-20 लाख रुपए इनको मिलेंगे, वो हमने केस जीता। अभी 50,000 आदिवासी है महाराष्ट्र में पालघर में जिनकी लड़ाई जीती है। ट्रेड यूनियन में हम काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने कहा जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हम सामाजिक, सामाजिक क्यों? बाबा साहब ने रास्ता दिया और कहा उन्होंने कि सत्ता सारे तकलीफों की चाबी है और हम पिट रहे। हमने कहा दिल्ली से शुरू करो, तो हमने PC की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे मीडिया के साथी जो यहां वहां थे उसको देख करके मुझे फख्र होता है इस बात को बताते हुए कि डॉक्टर देशराज जी ने भी देखा उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहीं पर उन्होंने संपर्क किया मेरा नंबर लेके। डॉक्टर देशराज जी और एडवोकेट गीता रानी जी दोनों हमारे ऑफिस आए, बात करके इमीडिएट 2 घंटे के अंदर अंदर हमसे मुलाकात की
और उन्होंने कहा कि हम इस अलायंस में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं और दिल्ली की 7 सीटों पे हम मिलके लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, एलडीएफ और डीडीए मिलके लड़ेगा, ये कि वहां पर तय हुआ। उसके बाद बात निकली तो डॉक्टर साहब ने इच्छा जाहिर की कि और भी हमारे साथी हैं जो जो काम कर रहे हैं उन सबको भी मिलाया जाए, और अगर सब मिलकर के अगर एक एक सीट भी लड़ लेंगे, लोकसभा की तो साथी हैं, आगे विधानसभा आ रही है 2020 में तुरंत 8 महीने बाद, तो जिनका जिन विधानसभाओं में ताकत है, जिनकी लोकसभाओं में ताकत है, वो अपने हिसाब से सीट ले लो। हमें कोई अहंकार नहीं है कि हमने शुरुआत की मूवमेंट, जो नए साथी आकर के कहेंगे, ताकतवर साथी अगर लड़ेंगे हम उनको लड़ाएंगे, उनकी उनके साथ खड़े होंगे। और तब डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर एडवोकेट गीता रानी जी लीड करेंगी, आपको तकलीफ है? मैंने बिल्कुल नहीं है, हमें तो और ताकत मिलेगी कि हमारी एक बहन आगे खड़ी हो, हम उनके साथ ताकत से चलेंगे। तो ये सोच करके आज ये मीटिंग बुलाई, और हम पूरी तरीके से डॉक्टर साहब के साथ हैं, और जो हमें सपना देखा था बाबा साहब ने, जो सपना देखा उस सपने को पूरा करना है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली में अलायंस में आ जाए, आप भी लड़ो, अगर बहुजन समाज पार्टी डीडीए एलडीएफ और सारे मिल जाए तो किसी की औकात नहीं है, जमानत जब्त कर देंगे सबकी साथी को। तो हम ये ऐलान कर रहे हैं कि सब साथी आए, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कहें, हमने जो अपनी 7 सीटें तय की हैं हम समाज को बाबा साहब को समर्पित करते हैं और डॉक्टर साहब को समर्पित करते हैं। धन्यवाद।